हेलो दोस्तों, बंटी इलेक्ट्रिशियन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम वही सेटअप लेके आए हैं, थ्री फेस वाला, जो मैंने आपको पहले जो इसके पहले जो वीडियो डाली थी उसमें बताया था कि लाइट चल जाती है बहुत से घरों में, सिंगल फेस नहीं आता तीन फेस में से, तो दिक्कत होती है इन्वर्टर चलने में। दो दो चार चार घंटे तक जब फेस नहीं आता तो उसमें काफी परेशानी आती, तो मैंने उसका पूरा मोनोग्राम बना लिया है आपके लिए। शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए पहले से मैंने पूरा इंतजाम कर लिया है, आपको कुछ नहीं करना है। तीन इंडिकेटर लेके लाइट लेके आनी है, ये देख लीजिए आप, और तीन MCB जो आपको जरूरत पड़ेगी उस पर वो आपको ये लानी है। ठीक है, मैं आपको इसके माध्यम से बता दूंगा कि आपके जो एक फेस नहीं आएगा तो आपको एक लाइट बंद हो जाएगी, दूसरा फेस नहीं आएगा तो दूसरी बार नंबर की बंद हो जाएगी, तीसरा फेस नहीं आएगा तो तीसरे नंबर की बंद हो जाएगी। तो आपको इससे मालूम पड़ जाएगा कि भाई आपकी कौन सी लाइट नहीं आ रही है, और आप जब भी एक फेस गायब हो जाए आपका लाइट नहीं आ रही हो तो आप दूसरे फेस से भी आपका इन्वर्टर चला सकते हो। ये देख लीजिए कि हमारा ये इन्वर्टर चल रहा है, ये मेन जोन है, हम यहां से ये UPS ऑन हो गया और ये मेन जोन है, ये बत्ती जल गई, ये मेन जोन हो गया, चार्जिंग चालू हो गई। बहुत सी जगह ऐसी प्रॉब्लम आती है कि दो दो चार चार घंटे तक लाइट ही नहीं आती, थ्री फेस वालों को काफी इसकी परेशानी करना पड़ता है, कई बार एक फेस चले जाने के बाद दिक्कत आती है। तो मैंने उसी को लोगों ने कहा कि कई बार कि भाई हमको इसकी सुविधा दीजिए या इनका सोल्यूशन निकाल दे कि हमारे को बार बार ऐसी परेशानी क्यों आती, तो मैंने उसी के लिए आज ये वीडियो बनाया था। आप देखते रहिए, मैं आपको एक एक चीज बारीकी से समझाऊंगा, और जो कोई भी हमारे चैनल पे नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन घंटे का बटन जरूर दबाएं, वीडियो एंड तक जरूर देखें। आपको सबसे पहले थ्री इंडिकेटर लाइट लेके आनी है, और ये तीन MCB की आपको जरूरत पड़ेगी। इसपे मैंने आपके एक ग्रीन वायर, एक रेड कलर का और एक येलो कलर का, तीनों फेस आपको बताने के लिए निकाल रखा है। मेरे घर पे सिंगल फेस ही है, मैं आपको थ्री फेस के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, आप इसको थ्री फेस समझ के ही काम लें। और मैंने यहाँ पर भी शॉर्ट वीडियो बनाने के हिसाब से पहले से ही वायर निकाल के रखे हुए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ग्रीन वायर, येलो वायर, रेड वायर और ब्लैक वायर। ब्लैक वायर न्यूट्रल का है और ये तीनों वायर एक दो तीन तीनों फेस के वायर है। आपको सबसे पहले ये तीनों बत्तियों के जो वायर है इनको आपको ब्लैक वायर में जोड़ के इसको टेपिंग करना है। ताकि आपको ये भी पता लगा रहे कि भाई लाइट हमारा कौन सा फेस गया है, तो आप उसको बंद करके ही दूसरा फेस को चालू करके यूज में ले सकते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हम ये इंडिकेटर बत्ती नहीं लगाएंगे तो हमको पता ही कैसे पड़ेगा भाई कौन सा फेस आ रहा है कौन सा ले आ रहा है। ये देखिए हमने तीनों फेस एक एक लाइट का एक एक तार मिला के इसमें ज्वाइंट कर लिया है। अब हमारे तीन वायर बचे हुए हैं, हम तीनों को एक एक फेस के हिसाब से इसमें ज्वाइंट करेंगे। एक फेस हमने ज्वाइंट कर दिया, दूसरा फेस हम कनेक्शन में नंबर वाई नंबर से कर रहे हैं कि जो आपकी MCB फर्स्ट नंबर की तो फर्स्ट लाइट बंद होगी, सेकंड नंबर की तो सेकंड लाइट बंद होगी, थर्ड नंबर की तो थर्ड लाइट बंद होगी, ताकि आपको पता रहे कि भाई कौन सी MCB वाली की कौन सी लाइट है, इसमें आपको परेशानी नहीं आएगी। आप किसी भी लाइट वाले से या किसी के भी अगर ऐसे प्रॉब्लम हो तो वो आप लाइट वाले को बुला के घर पे उसी से भी करा सकते हो, और अगर आपको खुद को भी लाइट का काम आता है तो आप भी कर सकते हो। देख लीजिए हमने तीनों को अच्छी तरीके से ब्लैक वाला न्यूट्रल में और एक
रेड वाला ग्रीन वाला ये फर्स्ट लाइट में, रेड वाला सेकंड लाइट में और येलो वाला थर्ड लाइट में जोड़ दिया हमने। ये देख लीजिए अभी हमारे चार वायर जो यहाँ निकले हुए हैं, हमको सबसे पहले जो हमारा मेन बोर्ड है जो इन्वर्टर का उसमें न्यूट्रल का वायर में जोड़ना है हमको। तो अभी मैं आपको इसको सबसे पहले हम ब्लैक वायर को जोड़ के जोड़ देते हैं इसमें। मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम खराब नहीं हो, ज्यादा लंबी वीडियो बन जाती है तो लोग आगे निकाल निकाल के देखते रहते हैं। जो मैकेनिक आएगा वो उसके तरीके से ही पूरा अच्छे से काम करेगा, मैं आपको शॉर्ट में ये वीडियो बता रहा हूँ ताकि जिस किसी की रिफ्रेज का कनेक्शन हो तो वो इस हिसाब से काम करवा ले। ये हमारा न्यूट्रल वायर और एक जो रेड वायर आ रहा है ये फेस वाला है, ये तो हमने इसको जोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, इसका जो बोर्ड का जो फेस वाला है इस वायर को हमको बीच में से कट करके निकालना है। ये निकाल के आप इसको फ्री कर दीजिए। अब आपके मेरे घर में थ्री फेस कनेक्शन नहीं है, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। तो मैंने तीनों जो आपको दिख रहा होगा ये तीन तार ज्वाइंट करके बना रखे, तो मैंने ये तीनों वायर इसी हिसाब से जोड़ दिए कि आपको जैसे ये फर्स्ट वाला एमसीबी का तार इसके साथ मिला के सेकेंड वाला ये दूसरी एमसीबी का वायर ये भी हमने रेड में मिला के और थर्ड वाला ये जो येलो वायर है ये भी हमने तीसरी एमसीबी में कनेक्शन कर दिया। आपके तीनों थ्री फेस के कनेक्शन कंप्लीट, तीन एमसीबी लगा के आपका काम हो गया। अब आपको नीचे वाले जो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया गया तीनों को एक साथ लूप करना है, इस वाले को इसमें और इस वाले को इसमें, ध्यान रहे आपकी एमसीबी सारी नीचे रहे। और जो आपको चालू करना है जैसे जो वाला फेस आपको चालू करना है उसी को आप चालू रखें, और जब भी अगर आपका इन्वर्टर बंद हो जाए या लाइट नहीं आए तो आप सबसे पहले उस वाली एमसीबी को डाउन रखें और दूसरी वाली एमसीबी को चालू करें। ऐसा ना हो कि आप दोनों एमसीबी को चालू कर दे तो 440 वोल्टेज हो जाए और आपके नुकसान हो जाए, विस्फोट हो जाए। तो इस चीज का ध्यान रखें, आप एमसीबी की जगह अगर कटआउट लगाओ तो वो ज्यादा बेटर रहेगा कि आप एक कटआउट को इधर से निकाल के आप इधर लगा सकते हो। गलती से आप इसमें गलती हो सकती है, बाकी आपके कटआउट में गलती नहीं हो सकती। मैं आपको एमसीबी के थ्रू से समझा रहा हूँ, बाकी इसमें भी अगर आप ध्यान से बत्ती से एलईडी से काम करो और एमसीबी का ध्यान रखो तो कोई नुकसान नहीं होता, बाकी वो कहते हैं ना कि थोड़ी सी चूक से ही काफी नुकसान हो जाएगा। अब ये जो आपका मेन बोर्ड है इन्वर्टर वाला, आपका जो इसका एक न्यूट्रल वायर था हमने इसमें जोड़ ही दिया था, अब इसको आपको ही नीचे वाले वायर में लूप करना है। ये हो गया, ये मेरा इसको आप टेपिंग कर दीजिए। अब मैं आपके लिए लाइट चालू करके बताता हूँ। ये देखिए तीनों फेस हमारे ऐसा लग रहा है जैसे थ्री फेस कनेक्शन हमारे पास हो रहा है। अब हमारा अभी इन्वर्टर यूपीएस ऑन हो रहा है। अब हम पहली एमसीबी ऊंची करेंगे, ये हमारे पास यहाँ पर ये इन्वर्टर ऑन हो गया। हम इसको बंद कर दें, ये वापिस यूपीएस पे आ गया। हम बीच वाली दूसरे नंबर की एमसीबी ऑन करेंगे, ये इसी तरीके से ये मेंस ऑन हो गया। इसको भी बंद करके हम तीनों तीसरे नंबर की जो एमसीबी उसको चालू करेंगे, ये इस पे भी हमारा मतलब तीनों कनेक्शन कंप्लीट है। अब हम इसको बंद कर देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ये आपकी एक एमसीबी चालू हो रही है पहले नंबर की, ये आपका इन्वर्टर चालू हो गया। अब सपोज कीजिए कि आपकी ये लाइट चली गई, ये आपका इन्वर्टर यूपीएस ऑन, तो अब आपके दो फेस आ रहे हैं अभी,
आपका एक पेज गायब हो गया, तो अब आप कुछ नहीं, इसको बस डाउन कीजिए, आप दूसरा पेज जो आ रहा है आप इसको चालू कर दीजिए, तो आपका इन्वर्टर ये चालू हो गया। ये अब अगर हम इस दूसरे पेज को भी अगर हम यहां से हटा देंगे, भाई ये दूसरा पेज भी नहीं आ रहा हमारे, ओनली सिंगल ही पेज आ रहा है, तो आप इसको भी डाउन कर दीजिए, आप इसको चला लीजिए, आपका काम नहीं रुकेगा और कोई परेशानी आपको किसी प्रकार से नहीं आएगी। ये इन्वर्टर आपका चालू हो गया। ध्यान रहे बस कि आपको जो भी लाइट बंद हो जाए आपको वो एमसी भी नीचे करनी है और दूसरे नंबर की ऊंची करनी है, बस इस चीज का खास तौर से ध्यान रखिए। और आप इसकी जगह अगर कटआउट लगाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गलती से भी अगर आप एमसी भी बंद करना भूल गए जल्दबाजी में या लाइट आ गई तो विस्फोट भी हो सकता है, तो आप कटआउट इधर से निकाल के आपको उधर ही लगाना रहेगा, तो आपका वो ऑटोमेटिकली लाइट कट ऑफ हो जाएगी। और ये बत्ती इंडिकेटर की लगाना न भूले, इससे आपको पता पड़ जाएगा भाई कौन सा फेस आ रहा है, तो आप उसी की एमसी भी ऊंची कर सकते हो। आपको एक तो मान लो जैसे ये दूसरा फेस आ रहा है और ये तीसरा फेस भी आ रहा है, ये तीनों फेस आ रहे हैं, इसमें आपको जो बत्ती बंद होगी आप समझ लेना कि आपका वो वाला फेस नहीं आ रहा, तो आपको वही एमसी भी ऊंची करके चलाना है। इसी तरीके से हम आगे भी आपको और वीडियो बना के भेजते रहेंगे, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में बताएं कि हम आपके लिए और भी वीडियो आगे से आगे बनाते रहें। और जो कोई भी हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।